नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी में पूछे जा सकते हैं, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से और इंडियन ज्योग्राफी से। हम कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो सवाल है उसके साथ। सबसे पहला जो सवाल है आपका वो है कि वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो इनलैंड सी है वो कौन सा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले टर्म समझ लेते हैं इंडियन सी क्या होता है। देखिए, कोई भी सी जो है आपका, इस तरह से मान लीजिए सी है और वो चारों तरफ से लैंड एरिया से कवर्ड है, चारों तरफ उसके ज़मीन है, तो हम उसे इनलैंड सी कहते हैं। अब इनलैंड सी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ऐसी वाटर बॉडी जो कि चारों तरफ से ज़मीन से कवर्ड है, मतलब चारों तरफ उसको ज़मीन लगती है। जिस तरह से तालाब होता है सेम उसी तरह से सी होता है, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि तालाब बहुत 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 ज़्यादा छोटा होता है, जबकि सी उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़े साइज़ में होता है। तो आपको क्या बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा ऐसा सी कौन सा है जो कि इनलैंड सी है, मतलब ज़मीन के चारों तरफ से घिरा हुआ है और सबसे बड़ा साइज़ में भी है। तो चार ऑप्शन आपके पास है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, कैस्पियन सी। अब देख लेते हैं कैस्पियन सी कहाँ पर है। देखिए, कैस्पियन सी की अगर मैं बात करूं तो कैस्पियन सी आपको कहां पर नज़र आएगा। कैस्पियन सी आपको एग्जैक्टली इस जगह पर नज़र आएगा जो कि आपके यहां पर है, यूरोप के अंदर है। यहां पर यूरोप में ही आपका कैस्पियन सी, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके चारों तरफ क्या है, कंट्रीज़ है। एक तरफ उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और नीचे ईरान। तो ये चारों तरफ से क्या है, सी जो है वो कवर्ड है। इसलिए इस सी को ये, इसलिए ये वाला जो सी है आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनलैंड जो सी है वो आपको नज़र आएगा। आगे अगर बात करें कुछ और सी के बारे में, कुछ और इम्पोर्टेंट सी जो देख लेते हैं, जैसे कि यूरोप के अंदर ब्लैक सी है। कई बार सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ब्लैक सी आपका कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो यूरोप में नज़र आ जाएगा, या फिर यूँ पूछ लिया जाएगा कि ब्लैक सी कौन कौन सी जो कंट्रीज है वो टच करती है। अब जैसे कि आप जानते हैं यूक्रेन का जो इशू है आजकल बहुत ज़्यादा जो क्या हाईलाइट है, तो उस वजह से इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो ब्लैक सी को टच करती है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर यूक्रेन है बिल्कुल साथ में इसके, तो यूक्रेन जो है आपका ब्लैक सी को टच करता है। ये रहा आपका यूक्रेन और ब्लैक सी, उसके बाद रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब है। उसके बाद बात करें यूरोप का एक सबसे बड़ा जो सी है उसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। ये रहा आपका मेडिटेरेनियन सी। इस मेडिटेरेनियन सी को टच करने वाली बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फ्रांस भी है, स्पेन भी है, उसके बाद इटली भी है, ग्रीस भी है। ये सारी कंट्रीज़ क्या है आपका जो मेडिटेरेनियन सी है उसको टच करती है। इसके अलावा बात करें यूरोप के अंदर ही आपको नॉर्थ सी देखने को मिल जाएगा, बाल्टिक सी देखने को मिलेगा, बैरेंट सी देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी है जो कि यूरोप में है। अब क्योंकि सीज़ जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या यूरोप के अंदर है, तो यहाँ पर इनसे सवाल कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है आपका स्नो लाइन के ऊपर। स्नो लाइन का कंसेप्ट क्या है, हम ये आप समझाएंगे अभी आपको। पहले सवाल देख लेते हैं। द स्नो लाइन इज़ द लाइन ऑन द माउंटेन और द हिल स्लोप विच, ये बात कर रहे हैं कि स्नो लाइन एक माउंटेन या फिर हिल स्लोप के ऊपर एक ऐसी लाइन होती है जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है। विच रिप्रेजेंट, ऑप्शन ए आपका इज़ द हाइएस्ट लिमिट ऑफ द परपेचुअल स्नो, ऑप्शन बी इज़ द लोएस्ट लिमिट ऑफ द परपेचुअल स्नो, या फिर ऑप्शन सी रिप्रेजेंट द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ द स्नोफॉल रिसीव, या फिर ऑप्शन डी इज़ द रिप्रेजेंट द लोएस्ट अमाउंट ऑफ द स्नोफॉल रिसीव्ड। तो देखिए, चार ऑप्शन आपके पास हैं। सबसे पहले मैं आपको स्नो लाइन का कंसेप्ट समझा देता हूँ कि स्नो लाइन होता क्या है। आपने देखा होगा कि जो हमारे पहाड़ हैं वहाँ पर क्या होती है, स्नोफॉल जो है आपको देखने को मिलती है। तो ये जो स्नोफॉल होती है क्या होती है, ये विंटर्स के अंदर आपको स्नोफॉल नज़र आ जाएगी, लेकिन जब समर होती है तो स्नो जो है मेल्ट करना स्टार्ट करती है। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, इस लाइन से नीचे क्या होगा, जो पहाड़ होगा वहाँ पर क्या होगा, आपको बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये वाली जगह कौन सी है, ये जो मैंने इमेजिनरी लाइन खींची है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये लाइन इमेजिनरी होती है, असल में एक्चुअली कोई ऐसी लाइन नहीं होती है। ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिससे नीचे क्या होता है, जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है। मतलब कि मान लीजिए विंटर्स में आपकी स्नोफॉल हुई और उसके बाद जब आपकी समर्स आई, तो इससे नीचे नीचे का जितना हिस्सा है वहाँ तक की बर्फ़ पिघल गई, लेकिन इससे ऊपर की बर्फ़ कभी नहीं पिघलती, चाहे वो समर्स हो चाहे विंटर हो। तो यही वाली जो इमेजिनरी लाइन्स है जो कि एक्चुअली में है नहीं, इसी को स्नो लाइन कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये स्नो लाइन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इज़ द लोएस्ट लिमिट ऑफ द परपेचुअल स्नो। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका द स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसको सेपरेट करती है, क्या वो आपका सुमात्रा और मलेशिया है, या फिर जावा एंड ब्रूनी है, सुमात्रा जावा है, मलेशिया ब्रूनी है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रेट होता क्या है। देखिए, यहाँ पर देखिए,
कि जो स्ट्रेट है वो क्या होता है कि दो वोटर, एक ऐसी वोटर बॉडी जो कि दो ज़मीनों को अलग करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंडिया और श्रीलंका को, आप अगर यहाँ देखेंगे तो इंडिया और श्रीलंका के बीच से यहाँ से पानी जो है गुजर रहा है, तो ये वाला जो पानी गुजर रहा है इसी को स्ट्रेट कहा जाता है। लेकिन ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ये आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का नहीं है बल्कि पाल्क स्ट्रेट है। इसका नाम है पाल्क स्ट्रेट, PALK। तो पाल्क स्ट्रेट जो है इसका नाम है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच से नज़र आती हैं, और इसके ऊपर भी कई बार सवाल जो है वो पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का की अगर बात की जा रही तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ आपको मलेशिया नज़र आ जाएगा, ये आपका मलेशिया है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको सुमात्रा नज़र आ जाएगा। ये सुमात्रा आइलैंड्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं नीचे की तरफ को। तो ऊपर कौन सा हो गया हमारा, ये वाला मलेशिया हो जाएगा, और नीचे वाला जो आइलैंड है आपका वो सुमात्रा हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि है आपका क्या कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट करता है सुमात्रा और मलेशिया को। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर इज अ विंड, डॉक्टर विंड के बारे में बात की जा रही है। देखिए होता क्या है कि वर्ल्ड में बहुत सारी जो विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं, बहुत सारी जो हवाएं हैं वो ब्लो करती हैं। अभी जितनी भी हवाएं हैं कई बार इनको नाम दे दिए जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई विंड है जो कि रेगिस्तान से बहते हुए आ रही है या फिर वहाँ से आ रही है, तो विंड की खासियत क्या होगी कि वो विंड ड्राई होगी, उसके अंदर मॉइस्चर कम होगा। उसके अलावा कोई एक ऐसी विंड की बात करते हैं जो कि ओशन से आ रही है, समुद्र से आ रही है, तो उस विंड के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा और वो विंड जो होगी वो आपकी ठंडी होगी। तो इसी हिसाब से जो अलग अलग विंड्स होती हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। कोई मान लीजिए पोल्स से आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, ड्राई होगी। कोई आपकी इक्वेटोरियल एरिया से आ रही है तो वो हॉट होगी, उसके अंदर मॉइस्चर भी होगा। इस हिसाब से विंड्स जो होती हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो विंड है ना, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो डॉक्टर विंड है वो विंड क्या है। तो ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इज़ एनर्वेटिंग, उसके बाद है विदर प्लांट्स, या फिर सी इंजूरियस टू हेल्थ, या फिर इज़ कंड्यूसिव टू दी हेल्थ। अब देखिए चार ऑप्शन हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि आपकी डॉक्टर विंड क्या है, कहाँ ब्लो करती है और उसका काम क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आपकी डॉक्टर विंड है वो उस विंड को कहा जाता है जो कि हर्मेटन नाम से, हर्मेटन विंड को ही डॉक्टर विंड कहा जाता है, और ये ब्लो करती है ईस्टर्ली से, ईस्टर्ली या फिर नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में, जो कि वेस्ट अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो विंड है इसकी खासियत क्या है कि ये जो जर्म्स हैं एंड पेस्ट जो हैं, कीड़े जो हैं उनको मार देती हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। सबसे पहले चीज़ देखिए, जो आपकी विंड है ये आपकी ब्लो करती है अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका में यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर हर्मेटन विंड लिख रखा है। अब अगर आप जानते होंगे अफ्रीका का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर क्या है, सहारा डेजर्ट है। अब सहारा डेजर्ट से कोई भी विंड अगर ब्लो करके आ रही है, क्योंकि ये सेंटर से आ रही है, तो क्या होगा इसमें, ये विंड जो होगी बिल्कुल ड्राई होगी। ड्राई होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल कम होगा, और ये विंड होगी भी हॉट क्योंकि ये डेजर्ट में से आ रही है। तो होता क्या है कि ये वाला जो कोस्टल एरिया है ना, यहाँ पर जो कोस्टल एरिया, यहाँ के लोग जब एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो उनको एक समस्या से जूझना पड़ता है। वो ये है कि जब क्योंकि समुद्र के पास वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और जो इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं वो उनकी फसलों को ख़राब कर देते हैं। तो ये जो विंड होती हैं आपकी, क्योंकि अफ्रीका सेंटर से आ रही होती हैं, तो ये जब इस कोस्टल एरिया में पहुँचती हैं तो वहाँ पर ड्राई और हॉट होने की वजह से ये उस कोस्टल एरिया का जितना भी मॉइस्चर होता है उसको ख़त्म कर देती हैं। तो जिसकी वजह से जो पेस्ट हैं, जो कीड़े हैं, वो भी क्या है, मर जाते हैं। तो उस वजह से ये क्योंकि अच्छी होती है इंसानों के लिए, इसलिए इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। सो ये आपकी हर्मेटन विंड्स हैं। और तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर क्यों होगा, देखिए मैंने आपको बताया कि ये विंड जो होती है हॉट होती है, ड्राई होती है, तो ये पेस्ट को तो मार ही देती है, कीड़ों को तो मार ही देती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ड्राई विंड होती हैं कि अगर इसके एक्सपोजर में कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक रह जाए तो ये इतनी ज़्यादा ड्राई होती है कि ये जो वहाँ पे इंसान है उनकी हेल्थ पे भी ये इफ़ेक्ट डाल सकती है। तो सी जो है इसका राइट आंसर है, इज़ इंजूरियस टू दी हेल्थ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है आपका, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर थ्री गोर्जेस डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सी कंट्री में आपका थ्री गोर्जेस डैम जो है वो लोकेट करता है। ऑप्शन ए चाइना, उसके बाद ताइवान, फिर मलेशिया, फिर थाईलैंड। चार ऑप्शन आपके पास है। थ्री गोर्जेस डैम क्या है पहले वो देख लेते हैं। देखिए चाइना की एक रिवर है यांगत्सो, उस रिवर के ऊपर चाइना ने ये जो डैम है कंस्ट्रक्ट कर रखा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि डैम का साइज़ जो है कितना बड़ा है। इसी को थ्री गोर्जेस डैम कहा जाता है क्योंकि ये तीन पार्ट में बना हुआ है। एक पहला पार्ट ये वाला है, उससे अगला ये वाला, और उससे अगला ये वाला। ये डैम इतना बड़े साइज़ का है और इतना मैसिव है कि कहा जाता है कि इस डैम की वजह से जो अर्थ की रोटेशन की
स्पीड है उसमें भी कुछ सेकंड का फ़र्क पड़ता है। सो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन का राइट आंसर है चाइना, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये थ्री गोर्जेस डैम आपका यांगत्से रिवर के ऊपर बना हुआ है, यांगत्से, और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, चाइना के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल जो आपका है, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द अर्थ एक्टिव वोल्केनो कंसंट्रेटेड एट प्रेजेंट, कि इस समय पृथ्वी के ऊपर कहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव, मतलब कि जो बार बार फटते हैं वो वाले वोल्केनो प्रेजेंट है। तो ऑप्शन है आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पैसिफिक ओशन या फिर यूरोप। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको इसका आंसर पता होगा, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, पैसिफिक ओशन। अब ये किस तरह से राइट आंसर है वो देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका पैसिफिक ओशन, पैसिफिक। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पर आपका जो वोल्केनिक इरप्शन है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है रेड कलर का इस हिस्से में, जिसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक रिंग की शेप या गोल है आपकी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि क्यों यहाँ पर वोल्केनिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सारी जो जगह है ना, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका, उसके बाद यहाँ पे एशिया, यूरोप वाला हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया, ये सारी वो जगह हैं जहाँ पर प्लेट की बाउंड्रीज हैं। तो प्लेट क्या है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ज्योग्राफी के अंदर, जिसमें यूँ कहा जाता है कि अर्थ की जितना भी ज़मीन है, लिथोस्फेयर है, क्रस्ट है, वो प्लेट्स में डिवाइडेड है अलग अलग। तो आपकी नॉर्थ प्लेट, अमेरिकन प्लेट अलग है, साउथ अमेरिकन अलग है, ये वाली अलग है, ये वाली अलग है। अब ये सभी प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं। मान लीजिए ये एक कोई प्लेट है जो आपकी खाने वाली प्लेट होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब इस प्लेट के साथ दूसरी प्लेट एक रख देते हैं इस तरह से, तो इन दोनों प्लेट की जो बाउंड्री हुई ना, बीच वाला हिस्सा, इसी को प्लेट बाउंड्री कहा जाता है, जो कि ज्योग्राफी में देखने को मिलता है। तो ये वाली जो ज्योग्राफी के अंदर प्लेट्स हैं, वो सब इनकी यहाँ पर इनकी बाउंड्रीज मिलती हैं। तो यहाँ से नीचे से क्या होता है ना, प्लेट के नीचे से बहुत सारा लावा जो है वो बाहर निकल के आता है, और लावा क्योंकि उसी में से निकलेगा जहाँ पे दरार होगी, तो प्लेट बाउंड्रीज पे ही दरार देखने को मिलेगी, तो वहाँ से वोल्केनो क्या है, लावा जो है बाहर निकल के आता है, इस वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलती है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी है, हो जाएगा पैसे। नेक्स्ट सवाल है आपका, द एवरेज, व्हाट इज़ द एवरेज सॉल्ट कंटेंट इन द लीटर ऑफ द वाटर, सी वाटर, कि जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, उसके अंदर एवरेज सॉल्ट कंटेंट कितना होता है। ऑप्शन ए है आपका 39 ग्राम, 37 ग्राम, 35 ग्राम, 32 ग्राम। अब सी वाटर के अंदर सॉल्ट क्यों होगा, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। वर्ल्ड के अंदर जितना भी पानी है, उन सभी पानी के अंदर जितना भी पानी है, चाहे वो नलके वाला है, हैडपम्प वाला है या फिर ग्राउंड वाटर है, सभी पानी के अंदर सॉल्ट होता है, सॉल्ट का कंटेंट मिला हुआ होता है। अभी सॉल्ट कहाँ से आता है, अगर आप जानते होंगे पाकिस्तान में जो बहुत सारी बड़ी बड़ी खदानें हैं जहाँ से नमक निकाला जाता है, अगर आप कभी देख पाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नमक होता है पत्थर के फॉर्म में होता है, जिस तरह से स्टोन होते हैं उसी तरह से नमक होता है। अब ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि नमक कहाँ से आएगा, पत्थरों से आएगा, ज़मीन से आएगा। तो अगर जो नदियाँ हैं, जब वो पत्थरों पर से ज़मीन पर से बहती है, तो अपने साथ क्या होती है, नमक को बहा के ले जाती हैं और समुद्र में जमा कर देती हैं। तो इसलिए समुद्र का जो पानी होता है उसके अंदर नमक देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि पूरे विश्व का जो एवरेज सॉल्ट है, अब पूरे सी वाटर के अंदर जो एवरेज सॉल्ट देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है। अब इसको एवरेज किस तरह से निकालेंगे कि एक लीटर पानी के अंदर, एक लीटर का मतलब बोतल है मान लीजिए, एक लीटर पानी के अंदर कितना सॉल्ट देखने को मिलता है, कि एक लीटर पानी है उसके अंदर कितना ग्राम जो है वो सॉल्ट है, उसी को बोलेंगे एवरेज सैलिनिटी या फिर एवरेज सॉल्ट कंटेंट। अब देखिए एवरेज हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ओशन के अंदर अलग अलग सॉल्ट का कंटेंट होता है। मान लीजिए इक्वेटोरियल एरिया में भूमध्य जो एरिया है, भूमध्य रेखा जहाँ से गुजर रही है, वहाँ पर एक ओशन है, उसमें सॉल्ट जो होगा वो कम ज़्यादा हो सकता है, या फिर पोलर एरिया में जो समुद्र है वहाँ पर सॉल्ट कंटेंट कम ज़्यादा हो सकता है। तो हम यहाँ पर एवरेज की बात कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, इन सभी ओशन में सेम सॉल्ट कंटेंट होगा, कम ज़्यादा हो सकता है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एवरेज सॉल्ट कंटेंट कितना होता है। तो देखिए जो सॉल्ट कंटेंट होता है एवरेज, वो कितना होता है, 32 से लेकर 35 ग्राम के अराउंड होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में 35-34 इतना ग्राम आता है तो वो भी राइट आंसर होगा, और अगर 32 ग्राम से ऊपर ऊपर आता है तो वो भी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर है आप 35 से लेकर 32 ग्राम के बीच में लिख सकते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल की। तो देखिए अगला सवाल है आपका, अ नेचुरली प्रोड्यूस नैरो ऑफन नेविगेबल कैनाल दैट लिंक्स टू बिगर बॉडीज ऑफ द वाटर इज रेफर्ड टू एज विच ऑफ द बिलो ज्योग्राफिकल टर्म्स।
अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि एक नेचुरली प्रोड्यूस मतलब कि प्रकृति के द्वारा बनाई गई नैरो ऑफन नेविगेबल की हो सकता है उसमें से नेविगेशन भी की जा सकती हो, मतलब कि नाव के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भी जाया जा सकता हो, ऐसी नहर को कैनाल मतलब ऐसी नहर को जो कि दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ती हो, मतलब कि मान लीजिए इधर कोई वाटर बॉडी है बड़ी, इधर कोई वाटर बॉडी है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली एक नहर है, उसको क्या कहा जाता है ज्योग्राफी की लैंग्वेज में? ऑप्शन ए पेनिनसुला, गल्फ, स्ट्रेट एंड द आइलैंड। तो देखिए इमेज के थ्रू समझेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि दो वाटर बॉडी एग्जांपल के तौर पे अगर आप पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है जो आपको नज़र आएगा, और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा है, रेड सी है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली यहाँ पर बीच में क्या है, एक कैनाल है जिसको स्वेज कैनाल कहा जाता है, जो कहती क्या है यूरोप को नीचे अफ्रीका के अफ्रीका से नीचे इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करती है। तो मेडिटेरेनियन सी को जो नीचे इंडियन ओशन है फिर रेड सी आप कह सकते हैं उसके साथ कनेक्ट करने वाली जो चीज़ है उसको क्या नाम देंगे ज्योग्राफी के टर्म्स में, ये आपका सवाल पूछा गया है। या फिर दूसरा ऑप्शन एक और देख सकते हैं एग्जांपल, ये जो पनामा कैनाल है ये कहाँ पर है आपकी, ये क्या करती है कि आपके जो पहले होता क्या था कि अगर किसी ने भी आपका यूरोप की तरफ जाना है तो यूरोप की तरफ जाने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, यहाँ से घूम के बिल्कुल यहाँ से घूम के नीचे से फिर यूरोप जाना पड़ता था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर आपका पनामा एक कंट्री है, वहाँ पर पनामा कैनाल बना दी गई और ये जो एरिया है इसको तोड़ दिया गया, यहाँ से एक नहर बना दी गई। सो अब क्या होगा, कोई भी आदमी जिसने यूरोप जाना है यहाँ से वो डायरेक्टली इसको क्रॉस करके जा सकता है, तो ये आपकी कैनाल बनाई जाती है। अब सवाल ये था कि इसको पोला कहा जाता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है इसका स्ट्रेट, इसको स्ट्रेट कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो स्ट्रेट है ये आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द आर्किपेलागो, आर्किपेलागो को क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है या फिर आर्किपेलागो का मतलब होता क्या है? ऑप्शन ए अ शैलो लगून सराउंडेड बाय अ सर्कुलर कोरल रीफ, या फिर ऑप्शन बी अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स, या फिर सी द अर्थ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन टू है, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और सीरीज ऑफ आइलैंड्स। आर्किपेलागो होता क्या है, बहुत सारे आइलैंड्स जब मिलके एक बड़ा एरिया बनाते हैं उसको बोलते हैं आर्किपेलागो। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ये सारे आइलैंड्स क्या हैं मिलके, अगर आप इनको ऊपर से देखेंगे तो ये एक आइलैंड के रूप में नज़र आएंगे, अभी तो क्योंकि पिक्चर बहुत नज़दीक से हैं तो ये सारे दूर दूर नज़र आ रहे हैं, तो इन्हीं को आर्किपेलागो बोलते हैं। और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा आर्किपेलागो है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आपका मलेशिया और इंडोनेशिया वाला, ये वाला जो सिस्टम है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, ग्रुप ऑफ आइलैंड और सीरीज ऑफ आइलैंड। तो ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो हम वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जैसे कि 30, 40, 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो और वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।